A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Naushad Ali aur aaj hum discuss karenge nervous system. So what is nervous system? Nervous system is the most complicated system of the human body. Nervous system hamare sath complicated system hai of the human body ki. The second point, it control and regulate all activity of the body. Ye hamari body ke jitni bhi activity hota hai, ye isko regulate bhi kar deta hai aur isko control bhi kar deta hai. Theek hai? Aur tisra number point ke jo hamari internal environment, human body ki jo internal environment hota hai, ye isko maintain kar deta hai, maintains rakhti hai consistency ko. Aur jo hamari internal environment of the human body ko, ye isko maintain rakhti hai, na isko zyada high kar deta hai na zyada ye isko low kar deta hai, equal rakhta hai, normal position par rakhti hai. Theek hai? Aur phir ye jo hamari body ko information aa jati hai, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको रिसीव कर देता है. रिसीव होने के बाद इसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट कर देती है और प्रोसेस होने के बाद ये इंपल्स को ट्रांसमिट कर देता है और फिर जितनी भी बॉडी की फंक्शन होता है वो ये इसको कंट्रोल कर देता है. और नर्वस सिस्टम जो होता है ये मेड अप 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स से, ठीक है ना. हमारी नर्वस सिस्टम कंपोज बाय मेड अप कितनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है ना. ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ मोर देन डैश नंबर ऑफ न्यूरॉन. सो ये कंपोज बाय मोर देन 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है ना. और न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन हमारे साथ बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है ऑफ किस चीज की, नर्वस सिस्टम की. जिसी तरह हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, तो इसी तरह हम इधर कहेंगे कि न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था नर्वस सिस्टम की. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. अब इंपॉर्टेंट ये कि नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन किस तरह हुआ है, ठीक है ना. तो नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन और टू मेन क्लासेस है इसकी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एक को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमारे साथ नर्वस सिस्टम की मेन क्लास टू क्लासेस है, ठीक है ना. फिर इसके बाद हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, ब्रेन आ जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना. अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है टू पार्ट्स में. एक को हम कहते हैं क्रेनियोस्पाइनल नर्व और दूसरे को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब क्रेनियोस्पाइनल नर्व डिवाइड होता है क्रेनियल नर्व में जो ट्विल पेयर ऑफ नर्व्स होता है, ठीक है ना. ट्विल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. और स्पाइनल नर्व जो डिवन पेयर होता है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. और फिर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये भी डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम किस तरह हुआ है. क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इस तरह हुआ है कि इसकी टू मेन क्लासेस है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ ब्रेन आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक को हम कहते हैं क्रेनियोस्पाइनल नर्व और दूसरी को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. क्रेनियोस्पाइनल नर्व कंसिस्ट होता है क्रेनियल नर्व में जो 12 पेयर्स होता है, और स्पाइनल नर्व होता है इसमें जो हमारे साथ 31 पेयर्स होता है. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे. इसके बाद हम न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज न्यूरॉन इन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज हाउ न्यूरॉन वर्क्स. और फिर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम.